अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू बेगम किचन। मैं हूं आपकी दोस्त नाजिश। आज मैं बहुत सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूं आलू टमाटर की, जो ये बहुत ही जल्दी बनने वाली सब्जी है और जिसे हम भटूरों के साथ खा सकते हैं और पूड़ी के साथ खाएं तो इसके मज़े ही क्या हैं। तो चलिए इस की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आलू, उबले हुए आलू चाहिए। यहाँ मैंने आधा किलो उबले हुए आलू लिए हैं, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे इसी तरीके से फोड़ लेंगे, बहुत बारीक टुकड़े नहीं करने हैं। इसे साइड रखेंगे, बाकी हमें इंग्रेडिएंट्स पे नज़र डालेंगे। यहाँ एक टमाटर लिया है, उसे कद्दूकश किया हुआ है, लहसुन अदरक है उसे बारीक कद्दूकश किया है और एक प्याज है उसे भी कद्दूकश किया हुआ है। एक पैन ले लीजिएगा और उसमें कुकिंग ऑयल डालें। यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ करा है, आप सनफ्लावर ऑयल भी ले सकते हैं। ज़ीरे का तड़का लगाएंगे तो थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। अब डालेंगे वे लहसुन अदरक, थोड़ा सा सॉटे करेंगे तकरीबन 1-2 मिनट के लिए। फिर हम इसमें डाल देंगे अपनी कद्दूकश करी प्याज, इसे भी 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे। और फिर हमने डाल देना है इसमें टमाटर। टमाटर का पानी थोड़ा सा सूख जाए, उसके बाद जैसे ऑयल अपने सरफेस पे आ जाएगा तो उसके बाद हमने और सूखे मसाले डालना है। यहाँ हल्दी लिए है, मिर्च ली है, धनिया पाउडर है और नमक है। मसालों को अच्छे से भूनेंगे, इनका कचानपन निकाल देना है। 2 से 3 मिनट में मसाले भून जाएंगे और आपका जो तेल है वो ऊपर आ जाएगा। अब हमने इसमें आलू डाल दिए, आलू को मिक्स करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी भी पड़ेगा। हमने यहाँ 1 से 1.5 कप पानी लिया है। मिक्स करके इसे लेड लगाकर तकरीबन 8 मिनट के लिए रख देंगे। 1 फद्दा खाने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारी आलू मटर की सब्जी तैयार है। बस इसमें एक चीज़ और डालनी है, वो है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को डालने के बाद मिक्स करके सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और ये हमारी सब्जी तैयार हो गई है। आप इसे पूड़ी के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगती है ये और बहुत ही आसानी से जल्द तैयार होने वाली रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अपना खूब ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।